नमस्कार, मैं निशा वाडिया, इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आज हम मौजूद है उत्तराखंड प्रदेश की राजधानी देहरादून में, जहां लगातार बढ़ रहे बेरोजगारी दर पर बातचीत होगी। जनता का मूड जानेंगे कि क्या इस वक्त बेरोजगारी चुनावी मुद्दा बना हुआ है, क्या बेरोजगारी एक आम जनता की एक बड़ी समस्या बन चुका है, क्या है बेरोजगारी, क्यों ये इतना लोगों को सता रही है जो कि एक चुनावी मुद्दा बन चुका है। आज हर एक युवा, हर एक बेरोजगार सरकार से नौकरी की मांग कर रहा है, क्यों है ये सब, इसी सवालों को लेकर आज हम जनता के बीच मौजूद है और जानेंगे क्या है ये बेरोजगारी और क्यों जनता से ये बेरोजगार रोजगार की मांग कर रहे हैं और कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। तो इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है कई ऐसे युवा और कई ऐसे लोग जिनसे हम जानेंगे कि क्या है बेरोजगारी। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले कि बेरोजगारी पर आप क्या कहेंगे। बेरोजगारी तो मैडम बहुत ही हो चुकी है जब से कोरोना काल हुआ है और सरकार कोई मदद नहीं कर रही है हमारी। हम ये रिक्शा चलाते हैं मैडम और रोजगार बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है इस वक्त, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी मतलब फायदा नहीं हो रहा है इसमें। लगातार बढ़ रही बेरोजगारी जी, आपके आसपास किस तरीके का माहौल बना हुआ है? बहुत बुरा हाल है मैडम, बैंकों की किस्त रुकी हुई है लोगों के, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं हमें और ये रोड टैक्स मांगा जा रहा है हम लोगों से बेरोजगारी के उसमें, और नोटिस आ रहे हैं मैडम लोगों के, बहुत परेशान हैं लोग और सरकार कोई मदद नहीं कह रही है। पेपर में आता है कि हमने माफ़ कर दिया है आपका, लेकिन कुछ माफ़ नहीं हुआ है। खुद मैंने मैडम 13,000 रुपये का मोदी जी ने कहा था कि हम आपका ये माफ़ कर दें, हम करवा देंगे ये जो क्या वो बैंकों के लोन थे जो, उसमें मैडम मैंने खुद 13,000 रुपये का अलग से मैडम ब्याज दिया है, ब्याज के ऊपर ब्याज दिया है मैंने। तो यही सवाल मैं आपसे भी करूंगी, मैं आपके पास भी आऊंगी, आप बने रहिए मेरे साथ, कि क्या है ये बेरोजगारी इस वक्त, क्या स्थिति उत्तराखंड में बनी हुई है? मैम बहुत बुरी स्थिति है उत्तराखंड की इस समय। देखा जाए हम लोग रिक्शा चलाते हैं, रिक्शों में हमारे काम नहीं है और हमसे रोड टैक्स लिया जा रहा है और हम इस समय बिल्कुल भी काम नहीं है, हमारी गाड़ी रोड पे भी नहीं चलने देते हैं। और ये हमने भाजपा भी देखा, कांग्रेस भी देखा, दोनों सरकारें ऐसी हैं बस अपना पेट भर रही हैं, जनता मरे या जिए उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस बार हमारे पास विकल्प है तीसरा, आम आदमी पार्टी, इस बार हम उसे वोट दे के जिताना चाहते हैं और देखते हैं वो क्या करती है। दिल्ली में उन्होंने बहुत से काम किए हैं अरविंद केजरीवाल जी ने, शिक्षा पे काम किया है उन्होंने, स्वास्थ्य पे काम किया है और रोडों का कोई काम नहीं होता मैम, रोड का कोई काम नहीं है। ये शिक्षा सबसे पहले हमें शिक्षा चाहिए होता है और उसके बाद हमें स्वास्थ्य चाहिए होता है। वहाँ पे हम जाते हैं हॉस्पिटलों में, वहाँ हमें लंबी लाइन लगी रहती है, वहाँ पे हमारा 2-2, 3-3 घंटे में काम होता है, वही देखा जाए दिल्ली में तो वहाँ 2 मिनट में काम हो जाता है। और ऐसी मैम बस बहुत परेशान चल रहे हैं हम लोगों से रोड टैक्स भी लिया जा रहा है, मोदी जी ने कहा था कि रोड टैक्स माफ़ हो गया है और हम माफ़ कर देंगे, बस पेपर में डाल दिया उन्होंने, पेपर में कुछ भी आ जाता है, पेपर का कुछ भी सच नहीं हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस बार कौन आपकी समस्या सुनेगा? हमारी समस्या हमें लगता है इस बार सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी सुन सकते हैं, आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में आए और एक बहुत अच्छा विकल्प आया है इस बार हमारे पास। पहले भाजपा और कांग्रेस, 70 साल भाजपा ने, कांग्रेस ने राज किया है, 10-11 साल भाजपा ने कर लिया है, इस बार हमारे पास एक विकल्प है, हम अपना बहुमूल्य वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को ही देंगे। तो लगातार जो पिछले 5 सालों में विकास कार्यों की बात की गई, भाजपा के जो अभी इस वक्त युवा मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि वो इतनी रोजगारों को नौकरियां देंगे, मतलब इतने बेरोजगारों को नौकरियां दिलाएंगे, यहाँ पर क्या स्थिति है आपको जो लगातार आप रिक्शा चला रहे हैं, तो आपके निजी जीवन में इस पर क्या असर पड़ रहा है बेरोजगारी? बहुत बुरा असर है हमारे एक रिक्शा चलाने से, 10 परिवार है हमारा, 10 परिवार इसी रिक्शे के ऊपर निर्भर है और आप भी देख रहे हैं यहाँ पे कोई काम नहीं है। और हम यही कहना चाहते हैं सरकार को कि अपना ही पेट भर रही है वो, बस गरीब आम जनता नागरिकों पे कोई समस्या बस सुन रही है और पेपरों में निकाल रही है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हो रहा है, बस यही कहना चाहता हूँ मैं। और यही सवाल मैं आपसे भी करूँगी कि पिछले 5 सालों से जो भाजपा के राज में कितने युवाओं को रोजगार मिला है, कितना आपको लगता है कि बेरोजगारों के लिए काम किया गया है? कुछ काम नहीं किया गया है मैडम, सिर्फ वायदे किए जाते हैं, उसको पूरा नहीं किया जाता है। इन्होंने ये बोर्ड लगा रखे दुनिया भर के कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन कुछ भी जमीनी हकीकत कुछ नहीं है यहाँ पर।
सिर्फ ये मुँह जवानी बोल के जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। ताना साहब ही सरकार है मैडम ये। हमने तो मोदी जी का चेहरा देख के दिया था वोट, लेकिन कोई फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। हमने मोदी जी को ही वोट दिया था, लेकिन इस बार हम चेंज कर सकते हैं, किसी और को भी दे सकते हैं हम वोट। क्या लगता है आपको इस बार आपकी समस्या कौन सुनेगा, कौन बेरोजगारी पर सबसे पहले ध्यान देने वाला है? इस पे तो मैडम देखो, हमने विश्वास तो किया था ये बीजेपी पे, लेकिन बीजेपी तो हमें नज़र नहीं आ रही। लोग भी यही कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे। अभी तक तो बीजेपी को ही दिया था मैंने, लेकिन मैं भी नहीं देने वाला हूँ इस बार बीजेपी को वोट। तो फिर किसको देंगे इस बार? मैडम मैं केजरीवाल जी को ही वोट दूंगा। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि ये भी केजरीवाल पर भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं रोजगार गारंटी की बहुत बड़ी बात अपनी एक साफ शब्दों में कही थी, और लगातार सवाल ऐसी थी किन किन गारंटी पर आप भरोसा कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, बेरोजगारी के अलावा? मैम आम आदमी पार्टी ने अजय कर्नल कोठियाल जी यहाँ से सीएम का चेहरा घोषित किए गए हैं उत्तराखंड से, और उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत बड़ी, उन्होंने राजनीतिक पॉलिटिक्स में ना रहने के बाद भी उन्होंने 12,000 युवाओं को फौज की नौकरी के लिए तैयार किया और उनको आगे भेजा गया, और हमें विश्वास है कि अजय कर्नल कोठियाल आएंगे अगर उत्तराखंड में तो हम युवाओं के लिए बहुत सा कुछ योजनाएं हैं जो उन्होंने कर रखी हैं। सरकारी आदमी को, पुलिस को, फौज को किसी हादसे में ख़त्म हो जाने पे 1 करोड़ रुपए उन्होंने देने का वादा किया है, बिजली फ्री करने का वादा किया है, और दिल्ली में भी उन्होंने बिजली फ्री करी है, हमने सुना है 200 यूनिट बिजली वहाँ पर भी फ्री है, 300 यूनिट यहाँ भी उन्होंने वादा किया है। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत से काम किए हैं, जैसे कि आपको बोलते हैं मोहल्ला क्लिनिक, दिल्ली में आपने भी सुना होगा मोहल्ला क्लिनिक है, और उन्होंने बहुत सा काम किया, उनके तो बहुत तारीफ़ के काबिल हैं वो। गरीबों के लिए बहुत सी योजनाएं ला रखे हैं वो, 1,000 रुपये महिलाओं के लिए, 18 साल से वर्ष के ऊपर के महिलाओं को 1,000 रुपये फ्री देने का उन्होंने वादा किया है, और वो कहने पे नहीं कर विश्वास करते, लेकिन वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, इसलिए हमें उन पर पूरा विश्वास है, इस बार हम अरविंद केजरीवाल जी को ही वोट देंगे अपना। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं इन्हें भरोसा है कि केजरीवाल जी शायद कहीं ना कहीं इस बार कुछ कमाल दिखा सकते हैं, तीसरा विकल्प जो उत्तराखंड में बना हुआ है राजनीति में वो कहीं ना कहीं इस बार जनता का विश्वास बन चुका है। इसी के साथ और युवाओं से भी बात करेंगे और बेरोजगारों से बात करेंगे कि इस वक्त उत्तराखंड में क्या स्थिति मौजूदा बनी हुई है। बेरोजगारी 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 ये एक अहम मुद्दा बन चुका है हर एक युवा का, हर एक बेरोजगार का, क्योंकि कहीं ना कहीं यही एक समस्या है जो इस वक्त चुनावी मुद्दा बन चुका है। शायद यही मुद्दा एक सरकार को गिरा भी सकता है, एक सरकार को उठा भी सकता है। इसी चर्चा को लेकर आज हम इनसे बात करेंगे कि ये क्या चाहते हैं कि इस बार बेरोजगारी उत्तराखंड प्रदेश में क्या है। मैम हम तो यही चाहते हैं कि जो भी पार्टी आए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, वो बेरोजगारी में काम करे। जो जनता इतनी बेरोजगार यहाँ फिर रही है उनको काम दे। हम ये नहीं कहते कि उनको सरकारी जॉब दे या सरकार उनको नियुक्त करे, मतलब इस तरह से कोई काम करे जो कि जो आम जनता जो बेरोजगार घूम रही है, युवा जो हमारे यहाँ के है जो बेरोजगार है बेचारे, उनको काम दिया जाए, चाहे वो किसी भी बेस पे हो। और इसके अलावा यह है कि जो हमने जो मोदी जी का जो चेहरा देख के जो भाजपा को हमने वोट दिया था, वो भाजपा से हमें उम्मीद नहीं थी, वो काम बिल्कुल नहीं हुआ है यहाँ पर। और जो भाजपा काम कर रही थी मोदी जी की सरकार में, मोदी जी ने जो यहाँ पर काम करा, कुछ उन्होंने अपने आदेश भी दिए, वो काम अभी तक पूरा भी नहीं हुआ है यहाँ पर। आप अपने आसपास देखते हैं, रोज आप यहाँ ये गाड़ी चलाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बेरोजगारी को लेकर क्या स्थिति बनी हुई है? मैम उत्तराखंड में बेरोजगारी को लेकर बहुत बुरी हालत है इस टाइम पे। बेरोजगारी का मतलब ये है कि मतलब यहाँ पर आम आदमी तो कुछ कर ही नहीं सकता यहाँ पर। अगर वो थोड़ा सा ऊपर बढ़ना भी चाह रहा है तो सरकार हो गई या बड़े बड़े नेता हो गए, वो उनको अपना भी मतलब ऑलरेडी इसको दबा देते कि ये बंदा जो है काम ऊपर थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है, काम कर रहा है, उसको नीचे दबा देते वो। तो हम तो यही चाहते हैं कि उत्तराखंड के अंदर ऐसी सरकार आए जो हम लोगों को, युवाओं को समझे, और उत्तराखंड के अंदर जो बेरोजगारी फैल रही है उसका थोड़ा समाधान लाए यहाँ पर। आपके हिसाब से कौन सी है वो ऐसी सरकार जो सिर्फ बेरोजगारों पर सुनेगी? मेरे हिसाब से तो इस टाइम मैम आम आदमी पार्टी।
हम यही सोच रहे कि इस बार जो है नया चेहरा लाए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के लिए, तो हमने यही सोचा इस बार। तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आती है तो सबसे पहले आपको लगता है कि वो बेरोजगारी को दूर करेंगी? एक नया चेहरा आएगा, नया चेहरे को थोड़ा यूज़ भी करना चाहिए मैम। हमने कांग्रेस देखी है, कांग्रेस ने कुछ नहीं करा है। बीजेपी देखी है, बीजेपी ने कुछ नहीं करा है। अब आम आदमी पार्टी है, हमारे पे एक विकल्प ऐसा बना है, तीसरा जो विकल्प है आम आदमी पार्टी का, तो हम यही चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को लाए। तो आपका ये मानना है कि आम आदमी पार्टी को आप चुनाव में जिताने वाले हैं जिससे कि वो बेरोजगारी पर ध्यान दें? यस मैम, हम लोग आम आदमी पार्टी को ही वोट देंगे जिससे कि वो, एक हमारे पे विकल्प है जो आम आदमी पार्टी का, हम उसको ही वोट देंगे। नया चेहरा लाने का मतलब ये है कि हम उसको थोड़ा सा देखेंगे कि ये बेरोजगारी अपना यहाँ से जो उत्तराखंड में जो बेरोजगारी फैल रही है उसको हटाए। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि ये भी आम आदमी पार्टी पर ही भरोसा कर रहे हैं कि किस तरीके से शायद वो कहीं ना कहीं इनकी बात सुन सकती है, और लोगों से जानते हैं कि इस तरीके की स्थिति बनी हुई है उत्तराखंड की राजधानी। मैं श्रवण कुमार, सभी मीडिया प्रभारी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैजिक चलाता हूँ और जनता की सेवा करता हूँ। इस कोरोना काल में सभी के काम चौपट हो गए और सरकार अंधी गुंगी बहरी हो गई। मैं 40 साल से टूरिस्ट को टैक्स दे रहा हूँ और गणेश जोशी जी की रोड पर चलता हूँ, जो हमारे विधायक है, प्रतिनिधि है, उनके पास कितनी बार चक्कर काटे, ना तो कॉलोनियों की रोड बनती है, ना आईटीआई सूचना के अधिकार में हिसाब मिलता है, ना जिला विधि प्राधिकरण में मिलता है, तनख्वाह सबको मिल रही है, जनता को खूब लूटा जा रहा है। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। माननीय मुख्यमंत्री को हमने कई बार प्रार्थना पत्र दिए, अपने डीएम डीआईजी को दिए, राज्यपाल को दिए, बचाई कौन है? जनता जनार्दन है, वोटर हमेशा वहीं खड़ा है और अधिकारी मीटिंग पे मीटिंग वोट पे वोट। तो जिस विधान विधि संविधान में 90 दिन का प्रावधान हो और दो दो साल लगा दिया जाए, तो दुर्भाग्य है ऐसे पद पे बैठने वालों का। मैं श्रवण कुमार, क्या लगता है आपको किसकी सरकार बनेगी? सरकार किसी की भी बन जाए, वोटरों को तो काम करना है, पर कोई भी सरकार काम नहीं करती जनता के लिए, बस ये कहना मेरा। बेरोजगारी को लेकर आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी यही है मैडम, एक दिन का माल 3 दिन में बिकता है, कोई मार्जिन नहीं है। बात यह है कि ये 34 रुपये अकेला पड़ा है, इसमें 40 रुपये बेचे कोई मतलब नहीं बनता है। इस टाइम खर्चा चलाना भी बहुत मुश्किल है, हर एक चीज़ मतलब कि सोच समझ चलना पड़ता है तो भी पूरा नहीं होता है। ठीक है, रही बात कि यहाँ हम लोगों के लिए बहुत परेशानी होती है, यहाँ ठेली लगाने नहीं देते, पुलिस वाले बहुत मना करते हैं, मारते भी हैं। रही मारने के बाद यहाँ अभी खड़े हैं, अभी पुलिस वाले आएंगे फिर भागना पड़ेगा, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। यहाँ 17 साल से हम यहाँ खड़े हैं, कभी भागते इधर लगाते, कभी उधर लगाते, कोई हम लोग का ठिकाना नहीं है। हमारा कहना यही है कि हम लोग का एक मार्केट होना चाहिए, जो जिसे हम लोग सुकून से अपना दुकानदारी कर सके, अपने घर वालों को, माँ बहन सबको, मतलब कि हम पढ़े लिखे तो है नहीं जो नौकरी करेंगे, हाँ यही अपना मेहनत मजूरी यही है, इसी में हम कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं। कोरोना के बाद आपको क्या लगता है कि क्या आपके काम पर असर पड़ा है? बहुत असर पड़ा है जी, कोरोना के बाद हमारा मतलब कि इसमें प्रॉफिट नाम का कोई चीज़ है ही नहीं। अभी दो महीने के बीच में हमारा 18-20 हज़ार रुपये घट गया, इसमें खर्चा चलाते घट गया पैसा, पैसे का मतलब कोई वो नहीं है। आपसे बताया ना, ये 34 रुपये केला पड़ा है, इस केले का 40 रुपये भी नहीं बिकता इस टाइम, एक दिन का माल 3 दिन में बेचना पड़ता है, वो खर्चा मेंटेनेंस नहीं होता इस टाइम। हमारा यही कहना है, आइए जो है कि दुकानदारी सर्दियों में तो नहीं होती है, फिर भी असर बहुत पड़ा है कोरोना में, बहुत असर। तो जैसे कि इन्होंने बताया कि बेरोजगारी की मार एक पढ़े लिखे पर नहीं बल्कि अनपढ़ लोगों पर भी बहुत ही गहरा असर इस बेरोजगारी का पड़ा है कोरोना के बाद। किस तरह से हर युवा, हर वर्ग के लोगों की नींव किस तरीके से हिली है वो भी साफ इनके शब्दों में बयां हो रहा है कि किस तरीके की परिस्थिति से ये गुजर रहे हैं, किस तरह से अपनी दिनचर्या ये सब चला रहे हैं। और भी हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं लगातार, और क्या है देहरादून की जनता का मूड इस बात पर भी हम लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं। उत्तराखंड में बेरोजगारी का दर किस तरीके से बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में उत्तराखंड का जो बेरोजगारी दर है वो अब टॉप पर आने की बिल्कुल संभावनाओं पर है।
तो कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी परिस्थिति बन चुकी है। और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि ये जो अब की बार बेरोजगारी का मुद्दा होने वाला है वो कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा भी बन सकता है। वो शायद एक ऐसा मुद्दा बन सकता है जो बीजेपी की सरकार गिरा भी सकता है और साथ ही साथ कांग्रेस की सरकार को उठा भी सकता है, या फिर उत्तराखंड में जो तीसरा विकल्प बनकर उभर रहा है आम आदमी पार्टी का, उसकी भी कहीं ना कहीं संभावनाएं भी जताई जा सकती हैं। इसी के साथ मैं निशी भाटिया, कैमरामैन सचिन के साथ, नमस्कार।